माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्रायंगल्स, इसकी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 7 एंड 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 में क्या गिवन है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। ओके, तो फर्स्टली हम लोग एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हम दोनों एक रोम्बस ड्रॉ कर दिया और साथ में ही क्योंकि इसके डायगोनल्स की बात कही गई है तो पहले तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। ओके, और उसके बाद जो है इसके डायगोनल्स यानी कि बी और डी को ज्वाइन कर लिया और इसी तरीके से ए और सी को ज्वाइन कर लिया हम लोगों ने। ओके, तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस बी डी एंड ए सी आर डायगोनल्स ऑफ इट। ओके, तो ए बी सी डी हम लोग को एक रोम्बस गिवन है और जिसमें बी डी और सी ए सी जो है वो क्या है, इसके डायगोनल्स हैं। ओके, तो हम लोग को प्रूफ क्या कराना है, टू प्रूफ। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हम लोग को क्या प्रूफ कराना है, हम लोग को कि जो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस यानी कि रोम्बस की जो साइड्स हैं उनका स्क्वायर करेंगे और उनका सम मीन्स क्या हुआ कि रोम्बस की साइड्स के स्क्वायर का सम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ओके, तो ये चार इसकी साइड्स हो गई, इनकी जो साइड्स है उनकी स्क्वायर्स का सम करने पे किसके इक्वल आएगा, इक्वल आएगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल यानी कि इसके जो डायगोनल्स है उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल आएगा। इसके डायगोनल्स क्या है, ए सी है तो ए सी का स्क्वायर हो गया और इसमें सम करेंगे किसका, बी डी स्क्वायर का। ओके, तो ये प्रूफ कराना है हम लोग को कि साइड्स के स्क्वायर्स का सम जो है वो इक्वल है डायगोनल्स के स्क्वायर्स के सम के। ओके, तो ये चीज हम लोग लिख लेते हैं टू प्रूफ में, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। तो इसका प्रूफ समझते हैं। देखिए रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तो रोम्बस की चारों ही साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे कि स्क्वायर में इक्वल होती है चारों साइड्स वैसे ही रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। बट डिफरेंस क्या होता है, स्क्वायर में हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। जैसे अगर आप स्क्वायर ये बनाए तो इसमें क्या होता है, एक तो चारों साइड्स इक्वल होंगी, अगर एक ही है तो चारों ही साइड्स ए लेंथ की होंगी और जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। बट रोम्बस में ये चीज नहीं होती है, चारों साइड्स से इक्वल होती हैं लेकिन हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं होता है। फिर दूसरी चीज क्या होती है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, है ना। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ये हम लोगों ने ये बीच वाला पॉइंट ओ माना है, तो ये जो डायगोनल्स है ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल ये क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो मींस ए ओ की जो लेंथ होगी वो ओ सी की होगी और इसी तरीके से ओ डी की लेंथ जो है वो ओ बी के इक्वल होगी। ओके, तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल्स जो होंगे वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। अब देखिए 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे तो मींस यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं चारों ही तरफ जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो सब 90 डिग्री के हो रहे हैं। मीन्स अगर हम लोग कोई भी एक ट्राइंगल लेंगे, जैसे मान लीजिए ए ओ बी वाला ट्राइंगल ले लिया, तो यहाँ पे भी हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो जाएगी यहाँ पे, है ना, इस वाले ट्राइंगल में, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं यहाँ पे, सिंस डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और राइट एंगल भी फॉर्म कर रहे हैं।
दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल ए ओ बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है. और साथ में ही हम लोग ये कह सकते हैं कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड डी ओ इज इक्वल टू ओ बी. या हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ए ओ की लेंथ है वो क्या है, ए सी की हाफ है, ये भी कह सकते हैं. या हम लोग कह सकते हैं कि जो OB की लेंथ है वो BD की हाफ है, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहे हैं, है ना. सो दिस इंप्लाइज दैट कि AO इज इक्वल टू AC अपॉन 2, ओके, एंड OB इज इक्वल टू BD अपॉन 2, ओके. और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. नाउ इन ट्रायंगल AOB, अब देखिए, अब हम लोग ट्राइंगल लेंगे कौन सा, ए ओ बी वाला ट्राइंगल. यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी यानी कि ए बी साइड है, दैट इज हाइपोटेन्यूज, ओके. तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओके. और यहाँ पे रीजन लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम. Then AB square is equal to, अब देखिए जो equation 1 हम लोगों ने मानी थी, equation 1 क्या थी इसमें कि OA को या AO को हम लोगों ने क्या लिखा था, AC upon 2 लिखा था, है ना. और इसी तरीके से OB को क्या लिखा था, BD upon 2 लिखा था. तो यहाँ पे OA की जगह पे AC upon 2 put कर सकते हैं या OB की जगह पे हम लोग BD upon 2 put कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC upon 2 इसका होल स्क्वायर प्लस बी डी अपॉन टू इसका होल स्क्वायर. और यहाँ पे रीजन क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1. तो अब ए सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग ओपन कर लें. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी डी स्क्वायर अपॉन 4. इसको ओपन करेंगे, इसका होल स्क्वायर होगा तो ए सी का स्क्वायर अपॉन 4 और BD का स्क्वायर अपॉन 4, दोनों का ही डिनोमिनेटर 4 है. सो दिस इंप्लाइज दैट कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4. इस 4 को हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना. सो दिस इंप्लाइज दैट कि 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, क्लियर. अब देखिए 4AB स्क्वायर है, 4AB स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको AB स्क्वायर को 4 टाइम्स लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 4 टाइम्स लिख लिया. और दिस वैल्यू इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ओके. अब देखिए 4 टाइम्स हम लोगों ने क्यों लिखा, यहाँ पे चाहे आप 4 टाइम्स लिखिए या हम इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, AB स्क्वायर की जगह पे BC स्क्वायर पुट कर सकते हैं या CD स्क्वायर पुट कर सकते हैं या हम लोग AD स्क्वायर पुट कर सकते हैं, क्योंकि चारों साइड्स तो इक्वल है इस रोम्बस की, है ना. सो दिस इंप्लाइज दैट कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, दिस वैल्यू इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ओके. क्योंकि यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, सभी इक्वल होती हैं, इसलिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर आप चाहे लिखिए चाहे आप अदर साइड्स लिखिए इसकी, दोनों ही सही है. तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया. सो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूफ. क्वेश्चन 8 में हम लोग को क्या गिवन है, इन फिगर ओ इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर, ओ डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी साइड पे, ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी साइड पे एंड ओ एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी. तो हम लोग को ये दो पार्ट्स प्रूव कराने हैं, ठीक है. तो फर्स्टली हम लोग गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या है, O is a point in the interior of
ट्राइंगल ए बी सी और साथ में ही ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ओ ई इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड ओ एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओके, तो प्रूफ कराना है तो यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रूफ। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ कराना है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ओके, और सेकेंड पार्ट में प्रूफ कराना है कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ओके, तो इसमें देखिए हम लोग को क्या प्रूफ कराना है कि ओ ए का स्क्वायर चाहिए, ओ बी का स्क्वायर चाहिए और ओ सी का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो ओ पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, ए बी और सी वर्टिसेस को ज्वाइन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ए से ओ को ज्वाइन कर दिया, बी ओ को और सी ओ को ज्वाइन कर दिया। ओके, तो ये चीज हम लोग लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में, जॉइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ कराना है, ओ ए का स्क्वायर चाहिए और साथ में ही हम लोग को कौन सी साइड चाहिए, ए एफ वाली साइड चाहिए, ए एफ स्क्वायर वाली साइड चाहिए। तो ए एफ स्क्वायर कब मिलेगा, जब हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेंगे, है ना, ए एफ ओ वाला ट्राइंगल लेंगे तो हम लोग को ए एफ स्क्वायर वाली साइड मिलेगी। और बी डी स्क्वायर कब मिलेगा, बी डी स्क्वायर लेने का मतलब है हम लोग ये वाला ट्राइंगल लें। नेक्स्ट हम साइड कौन सी है, सी ई स्क्वायर, तो सी ई स्क्वायर कब मिलेगा, जब हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेंगे। और तीनों ही ट्राइंगल कैसे हैं, राइट ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी 90 का फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे भी 90 का फॉर्म हो रहा है, तो मीन्स पाइथागोरस थ्योरम इनमें अप्लाई हो जाएगी। ओके, तो चलिए पहले पार्ट वन का प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसकी जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। ओके, तो हम लोग लेते हैं इन ट्राइंगल ए एफ ओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे रीजन लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो हम लोग को चाहिए क्या, यहाँ पे हमें ए एफ स्क्वायर चाहिए, है ना, तो ए एफ स्क्वायर चाहिए तो हम ओ एफ स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ए एफ स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट कि ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर वन। नेक्स्ट हम लोग कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, बी ओ डी वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, इसमें यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, इसके सामने वाली साइड यानी कि ओ बी हाइपोटेन्यूज हो गई, है ना। सो इन द ट्राइंगल बी ओ डी ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, और यहाँ पे भी रीजन लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब यहाँ पे क्या प्रूफ कराना है, बी डी का स्क्वायर चाहिए आप लोगों को, तो बी डी स्क्वायर चाहिए तो ओ डी स्क्वायर को हम इधर माइनस साइन के साथ में शिफ्ट कर देते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट कि बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू। नेक्स्ट हम लोग कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, सी ओ ई वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, तो नाउ इन ट्राइंगल सी ओ ई तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी कि ओ सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, यानी कि ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, और यहाँ पे भी रीजन इसका हो गया पाइथागोरस थ्योरम एंड दिस, और साथ में अब क्या करेंगे, देखिए हमें सी ई का स्क्वायर चाहिए, है ना, तो ओ ई स्क्वायर को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, सो दिस इंप्लाइज दैट कि सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ में चला जाएगा,
तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इन तीनों ही इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ओके, तो नाउ ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो क्या मिलेगा हम लोग को, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए यहाँ पे ओ बी ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर इन तीनों को एक साथ रख लेते हैं, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ओके, तो यही चीज हम लोग को प्रूव करानी थी। सो हेंस पार्ट 1 प्रूव्ड। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट का प्रूफ देखते हैं, तो यहां पे लिख लेंगे पार्ट 2। अब देखिए जो हम लोग को पार्ट 2 में प्रूफ कराना है, तो ये चीज प्रूफ करानी थी, ठीक है, ये चीज प्रूफ करानी हम लोग को, तो यहाँ पे हमें साइड कौन सी चाहिए, ए ई स्क्वायर वाली साइड चाहिए, तो अब हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब ये नहीं लेंगे, अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग को सी डी स्क्वायर चाहिए, तो सी डी वाली साइड कब मिलेगी, जब हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेंगे, सी ओ डी वाला ट्राइंगल लेंगे, तो अब हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग कौन सा लेंगे, बी एफ साइड चाहिए, तो हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेंगे, अब ये नहीं लेंगे, ठीक है। तो नाउ अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि तीनों ही कैसे है, राइट ट्राइंगल है। ओके, तो नाउ इन ट्राइंगल ए ओ ई, यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसके सामने वाली साइड ओ ए क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, और यहाँ पे रीजन लिख देंगे बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे हमें ए ई स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ओ ई स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट कि ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग ट्राइंगल लेंगे कौन सा, इन ट्राइंगल डी ओ एफ, ठीक है, बी ओ एफ ये वाला ट्राइंगल, तो यहाँ पे ओ बी क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे रीजन भी इसका लिख दिया, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें क्या चाहिए, बी एफ स्क्वायर चाहिए, है ना, बी एफ स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, तो हम लोग बी एफ स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगी, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, अब हम लोग सी ओ डी वाला ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल सी ओ डी, तो यहाँ पे ओ सी क्या हो गई, ओ सी जो है वो हाइपोटेन्यूज है ना, सो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और यहाँ पे भी इसका रीजन लिख दिया, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें क्या चाहिए, सी डी स्क्वायर चाहिए, तो सी डी स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे सी डी स्क्वायर वाला टर्म निकाल लेते हैं, तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों ही इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन 4, 5 एंड 6, उसको प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर प्लस प्लस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देखिए ए एफ का स्क्वायर चाहिए, तो ए एफ का स्क्वायर कब मिलेगा, इक्वेशन 1 जो हम लोगों ने बनाई थी,
अगर हम ओ ए स्क्वायर में से अगर हम लोग ओ एफ स्क्वायर को माइनस कर दें, ओ एफ स्क्वायर को माइनस कर दें, तो हमें ए एफ स्क्वायर मिल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट कि ए स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये टर्म्स हम लोग को मिल चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर में से कौन सा टर्म माइनस करेंगे, देखिए साइड हमें क्या चाहिए, बी डी स्क्वायर चाहिए। बी डी कब मिलेगी, जब हम लोग क्या करेंगे, ओ बी स्क्वायर में से ओ डी स्क्वायर को माइनस कर देंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जो हम लोगों ने बनाई थी, प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस। अब देखिए ओ सी स्क्वायर में से क्या माइनस करेंगे, ओ ई स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो कौन सी साइड मिलेगी, सी ई स्क्वायर वाली साइड मिलेगी, तो माइनस ओ ई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे, सो दिस इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रीजन लिख देंगे, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हम लोगों ने ये वैल्यूज यहाँ पे ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर को पुट किया है, ठीक है। तो यही चीज हम लोग को प्रूव करानी थी, ये हम लोग को प्रूव कराना था और ये चीज हम लोग को मिल गई है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, हेंस पार्ट 2 प्रूव्ड। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।